all are you done? Builders. Oh my God. तो गाइस स्वागत है यार आप सभी लोगों का। हम लोग आ चुके हैं वापस एक और टाउन हॉल 14 की वीडियो के ऊपर। पहली वीडियो होने वाली है एंड यहाँ पे चैलेंज लगा हुआ है, स्टेफनी मैम वर्सेस डॉक्टर साहब। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज दिया कि सबसे पहले मैक्स टाउन हॉल 14 कौन करेगा विथ यूजिंग जेम्स एंड सारे रिसोर्सेस। मतलब कोई भी यहाँ पे गोल्ड एलिक्सर ज्यादा यूज नहीं होने वाला, ज्यादातर यहाँ पे जेम्स और रिसोर्सेस ही यूज होने वाला है। तो ये चैलेंज होने वाला है एंड ये वाली जो स्क्रीन दिख रही है ये है स्क्रीन डॉक्टर साहब की और ये वाली जो स्क्रीन दिख रही है ये स्क्रीन है स्टेफनी मैम की। तो ये चैलेंज स्टार्ट होने वाला है। मोगी भाई आपको क्या लगता है? सुमित भाई मुझे ये लगता है बहुत खतरनाक है, कंपटीशन होने वाला है। बहुत आपने कंपटीशन देखे होंगे जिसके अंदर वॉर हुए, जिसके अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, लेकिन यहाँ हमें देखने वाला है एक अलग लेवल का कंपटीशन। अलग लेवल का कंपटीशन ये है कि टाउन हॉल 14 अभी अभी थोड़ी देर पहले आया है और थोड़े देर के अंदर ही डॉक्टर साहब एंड स्टेफनी मैम उठ खड़ के बैठ गए, अपनी भाई पोजिशन ले ली है, अपने अकाउंट्स हाथ में पकड़ लिए हैं और मैक्स करने की तरफ इनको निकल चुके हैं। टाउन हॉल 14 को कौन सबसे पहले मैक्स करेगा और ये देखेंगे हम और आप साथ साथ पहली बिल्डिंग से लेके आखिरी बिल्डिंग तक। स्टेफनी मैम यू वांट टू से एनीथिंग? No, I'm ready. If you... Oh, Stephanie, I'm ready. Ready. Yeah, okay. Ready. With full confidence. Excited, मुझे हंसी आ रही है. रुक जा. Lol. She already started jamming. No. That's it. That's it. Wait. He said 1, 2, 3, stop. No. Oh my God. Okay. I'm saying we can fix this. Moja. We can fix this. Okay. Don't worry. So guys, मैं यहाँ पे सपोर्ट देने वाला हूँ स्टेफनी मैडम को और मैं चाहता हूँ कि आज जीते स्टेफनी मैडम डॉक्टर मुस्तफा को। आज बीट कर पाएंगी या नहीं देखने वाले बात होगी। मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ स्टेफनी मैम। आई एम सपोर्टिंग यू, माय वोट इज इन योर फेवर। ओके 1, 2, 3 स्टार्ट डॉक्टर साहब, स्टेफनी मैम, गो स्टार्ट द गेम्स राइट नाउ। कौन हु विल विन? ओह माय गॉड। ओके अरे मार्केट में आ गया। ओके लेट्स सी। ऑफर्स बाय किए जा रहे हैं गाइस, आपको वो देखो वहां पे उस टाइम के लिए। यस यप बोथ आर बाइंग न्यू स्टफ्स फ्रॉम ऑफर, बोथ आर बाइंग ऑफर्स एंड नाइस। पैसा देखो भाई, पैसा कितना है। टाउन हॉल 14 पैक चीफ समथिंग इज समथिंग नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल इज कमिंग। आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू डॉक्टर। Wait. Oh my God! No. Stephanie, I'm sad that I'm not gonna wait for you. I'm gonna. Come on, Stephanie, ma'am. Come on. Oh my God! Stephanie, ma'am is doing so fast. Nice. Doctor Sahib is also doing so fast. Okay. Come on. Stephanie, ma'am is also doing so fast. Yep. Come on, yep. Stephanie, ma'am. You can do it, ma'am. Yes. Nice. Go. Nice. Okay. क्या लगता है जल्दी कमेंट में बॉक्स करके बताएं। आपको बताना है कि किसका अकाउंट सबसे दिस अकाउंट इज डॉक्टर मुश्तबाज एंड दिस अकाउंट इज स्टेफनी मैम्स। ये जो सेकंड स्क्रीन दिख रही है स्टेफनी मैम का अकाउंट है और पहली स्क्रीन है डॉक्टर साहब की। यहाँ पे सारे के सारे जो रिसोर्सेज है पहले नाइस स्टेप गुड स्टेप स्टेफनी मैम पहले रिसोर्सेज अपग्रेड करने का काम कर रही है स्टेफनी मैम। दैट इज रियली नाइस स्टेप। लेट्स सी डॉक्टर साहब यहाँ पे पेट्स को अपग्रेड कर रहे हैं। जीवन में आपने कभी इतने जेम्स एक साथ लगते हुए देखे? ऐसे सेकंडों के हिसाब से देख रहे, देखा भी नहीं जा रहा। स्टेफनी मैम के जेम्स देखो 9 लाख जेम्स अभी भी बचे हुए हैं। ऐसे क्लिक किया जा रहा है ऐसे? कितना आई डोंट केयर कितना जेम। ये ले क्लिक। डॉक्टर साहब के पास अभी भी 7,66,000 जेम्स अभी भी बचे हुए हैं। स्टेफनी मैम के पास 9 लाख से ज्यादा थे, 9 लाख बचे हुए हैं सुमित। बिल्कुल। So, very good step. Stephanie ma'am ने यहाँ पे एकदम दिमाग वाली चीज लगाई है कि builder suggestion use कर रही है Stephanie ma'am यहाँ पे, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। Experience holder, doctor साहब ने पहले भी बहुत ज्यादा jamming क्यों ही है, तो doctor साहब अपने experience का बखूबी फायदा उठा रहे हैं, लेकिन Stephanie ma'am भी काफी strategically चल रही है मार्केट में और आप भी इस वीडियो को देखते हुए काफी strategy यूज करें अपने दिमाग में और कॉमेंट में बॉक्स करके बताएं कि क्या लगता है आपको सबसे पहले कौन अकाउंट मैक्स करेगा? क्या वो होंगे स्टेफनी मैम
क्या वे होंगे डॉक्टर साहब, वीडियो के अंत में तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अभी इसी वक्त बताएं कमेंट करके। बिल्कुल, अभी ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने हीरो अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, एंड स्टेफनी मैम यहाँ पे यूज कर रही है बिल्डर सजेशन। बिल्डर जो भी सजेस्ट कर रहा है वो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, जिससे कि जल्द से जल्द चीजें मैक्स हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब ने यहाँ पे लगभग हीरोज को मैक्स कर ही लिया है, उन्होंने अपने आर्चर क्वीन को कर लिया। अभी यहाँ पे बहुत सारी रिसोर्सेज भी इनके पास पड़े, लेकिन जो जेम्स है वो बहुत ही कम है डॉक्टर साहब के पास। स्टेफनी मैम क्या कर रही है, देख अभी भी 8,95,000 जेम्स उनके पास है, वो जेम्स अभी यूज ही नहीं कर रही है ज्यादा, वो यूज कर रही है सबसे पहले रिसोर्सेज, और वो देख रही हैं बिल्डर किस चीज को सजेस्ट कर रहा है, वो बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली चल रही हैं। मुझे लगता है सुमित उन्होंने रात भर या 2-3 दिन से इस चीज के ऊपर रिसर्च करी है कि कैसे ये चीजें सुपर फास्ट होंगी। और देख रहे हो स्टेफनी मैडम को, देख रहे हो बस उंगली चल रही है, डॉक्टर साहब को भी देख रहे हो बस उन्हें कोई मतलब नहीं हम क्या बोल रहे हैं, वो देख अपने लगे हुए। डॉक्टर साहब स्माइल फॉर द कैमरा, स्टेफनी मैम स्माइल फॉर द कैमरा। हे व्हाट्स अप गाइस, हेलो हेलो डॉक्टर साहब, स्टेफनी मैम। मैंने डॉक्टर साहब को थोड़ा सा भटकाने की कोशिश करी कि किसी तरह से भी नाइस स्ट्रेटजी। डॉक्टर साहब कह रहे आई डोंट केयर व्हाट आर यू सेइंग, आई एम गोना मैक्स माय मंथ फर्स्ट। एंड यहाँ पे स्टेफनी मैम के 8,92,000 जेम्स अभी भी बचे हुए हैं। एंड वहीं पे अगर हम लोग डॉक्टर साहब की बात करें तो जेम्स अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, मतलब यूज करे ही नहीं है, ना के बराबर ही जेम्स यूज करे हैं। एंड स्टेफनी मैम इज फाइनली डूइंग हर हीरोज हीरोज के लिए आर्चर क्वीन को अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, अच्छी खासी वैल्यू मिल चुकी है। एंड अभी देखना पड़ेगा और अच्छी खासी वैल्यू मिल चुकी है। अबे भाई 3 स्टार होने वाला है क्या? अच्छी खासी वैल्यू उनको मिल चुकी है जेम्स के थ्रू, अच्छी खासी चीजें उनको मिल चुकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को लगा कि अटैक की कमेंट्री चालू हो गई। बिल्कुल एकदम वैल्यू मिल चुकी है, एकदम अच्छी चीज करी है। सुमित पहले डार्क को देख रहा कैसे खत्म किया जा रहा, अब यहाँ से जेम्स लगने स्टार्ट होंगे सुमित, धनाधन जेम लगेंगे मुझे लग रहा है। ओके, व्हाट डू यू से, यहाँ पे डार्क एलिक्सर कम पड़ चुके हैं एंड रिसोर्सेस, यहाँ पे तो अटैक करना पड़ेगा, लेकिन अटैक तो है नहीं, लेकिन जितने रिसोर्स है उसमें काम चलाना पड़ेगा, लेट्स सी क्या होता है। सुमित यहाँ पे एक रूल ये भी है ना कि सारे के सारे जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं सबसे पहले उनको यूज करना होगा, उसके बाद आप जेम्स कर सकते हो। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने ये रूल बताया था, स्टेफनी मैम भी इस रूल के बारे में बातें कर रही थी मेरे ख्याल से, कि जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं इनके पास पहले, चाहे वो रून ऑफ एलिक्सर हो, चाहे वो बुक ऑफ बिल्डिंग्स हो, चाहे वो डार्क एलिक्सर वो हो, उन सबको पहले यूज करना पड़ेगा, उनको यूज करने के बाद ही आप जेम यूज कर सकते हो। सो गाइस इज गोना बी अ लिटिल बिट स्ट्रेटेजिकल, तो ये एक रूल है जो कि यहाँ पे ऐड किया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात बोली आपने, यहाँ पे इनके पास अभी भी बहुत सारे रिसोर्सेज बचे हुए हैं, लेकिन जेम्स इतने ज्यादा है ना डॉक्टर साहब से भी, लगभग 2 लाख से ज्यादा जेम्स है। तो स्टेफनी मैम के पास एडवांटेज है यहाँ पे। वॉल्स देखो, 100 वॉल्स अपग्रेड करनी है, एक वॉल 56 लाख एलिक्सर की एक वॉल है भाई साहब, बहुत बहुत पैसा, बहुत रिसोर्सेज डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब लुक एट डॉक्टर साहब, वॉल्स की एक पूरी लाइन उन्होंने अपग्रेड करी है एंड रिसोर्सेज दबा के यूज कर रहे हैं, जिससे कि पूरा पूरा सोना और एलिक्सर, गुलाबी पानी और सोना आ जाए एंड वॉल अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। एंड स्टेफनी मैम का देखना पड़ेगा, स्टेफनी मैम यहाँ पे अपग्रेड कर रही है ग्रैंड वार्डन को। एंड ऊपर अगर हम लोग डॉक्टर साहब की बात करेंगे तो डॉक्टर साहब भी यहाँ पे बिल्डर सजेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। टाउन हॉल देखना पड़ेगा। सुमित अगर मैं बात करूं, अभी जितने भी ऑफर्स गेम के अंदर आए थे टाउन हॉल 14 होने पर, वो सारे ही ऑफर्स खरीद लिए गए हैं डॉक्टर मुस्तबा द्वारा भी एंड स्टेफनी द्वारा भी, और जैसा कि आप सीनरी भी देख पा रहे हैं सुमित, ये नई जंगल सीनरी है, तो अपग्रेडिंग भी जो चल रही है वो नई सीनरी के अंदर चल रही है सुमित। नाइस, बिल्कुल न्यू सीनरी परचेस करी है। एंड गाइस अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना, एंड अगर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिल्कुल इतने सारे जम्मा उठा दो मार्केट में, चश्मा पहन लो, लो चश्मा पहन लिया मैंने एक और, अब लाइक करो। देखो इन्हें ये है होश की बूंदे, इतने सारे जेम्स उड़ा दिए, लेट्स होप कि जितने जेम्स उड़ रहे उतने लाइक्स हो जाए, इतना हम लोग एम कर रहे हैं, पर मुझे पता है उतना होगा नहीं, लेकिन बिल्कुल आप लोग लाइक कर देना अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे स्केलेटन ट्रैप अपग्रेड करने की चीजें हो रही है, एंड डॉक्टर साहब की अगर हम लोग बात करेंगे तो डॉक्टर साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ओके गाइस, गाइस 10 लाख स्टोरेज, कम से कम डॉक्टर साहब 7-8 लाख, 18-20 लाख जेम्स मेरे को लग रहा है इन्वेस्ट होने वाले हैं। कम से कम 1 लाख लाइक तो आप लोगों को करने चाहिए, अगर आप 1 लाख लाइक, ओ माय गॉड, डॉक्टर साहब की तरफ से जरूर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होने के पूरे चांसेस रहेंगे अगर आप 1 लाख लाइक पूरे कर पाएंगे। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब इस बारे में? ठीक है,
ठीक है डॉक्टर साहब ने कह दिया ठीक है आई डोंट केयर इफ यू सेड इट एंड उसी के साथ तो बहुत ही जल्दी स्टेफनी चैंपियनशिप भी आने वाली है $45,000 की तो उस चीज के रिलेटेड भी बात होगी फिलहाल यहां पे बेस मैक्स करने का सिलसिला चल रहा है दोनों लेजेंड लीग में है ये वाली मेरे ऊपर जो आईडी देख रहे हो ये है डॉक्टर साहब की आईडी एंड वो वाली जो मोगी भाई के ऊपर जो आईडी दिख रही है वो है स्टेफनी मैम की आईडी So let's see. बोलने नहीं दे रहा तो मैं डांस कर रहा हूँ अरे भैया यहाँ पे फुल जेम बाजी चल रही है गाइस क्या बोलूं मैं इतने सारे जेम छोड़ा दिए क्या कमेंट्री कर रही है यहाँ पे सारी कमेंट्री खराब हो गई है दिमाग काम करना बंद कर क्या बोलूं कि क्वीन चार से काफी अच्छी वैल्यू निकाल ली गई है ड्रैगन ने काफी अच्छा कमाल करा भाई जेम चल रहे हैं यार धनाधन धनाधन जेम लग रहे हैं ओ भाई साहब हमारे क्लैन में सारे बंदे हमारे क्लैन में क्या स्टेफनी चैंपियनशिप में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे सबके मिला के इतने जेम्स नहीं होंगे इतने इन दोनों के अकेले के मिला के जेम्स बहुत सारे जेम्स हैं सुमित चाहे जेम्स हो भी भाई जो खर्च करने का जो वो दर्द होता है ना वो होता ही नहीं क्लिक ही नहीं हो पाता उस पे जब जब आर्मी के लिए भी वो जेम मांग रहा होता है 40 जेम्स नीडेड मन ही नहीं करता करने का आधे घंटे बाद मन करता है आधे घंटे बाद आके खेल ले यहां पे डॉक्टर साहब स्केलेटन ट्रैप अभी अपग्रेड कर रहे हैं मतलब बिल्डर सजेशन इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन स्टेफनी मैम यहां पे आगे हैं इज्जत ही नहीं है कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे कौन आगे कैसे कह रहे हो आप आगे स्टेफनी मैम आगे स्टेफनी मैम आगे मेरे को लग रहा है बहुत सारी चीजें अपग्रेड करनी है स्टेफनी मैम यू कैन डू इट डोंट गेट स्लो ओके यूज योर फिंगर सो फास्ट फास्ट कम ऑन स्टेफनी मैम मजाक से चल रहा है भाई क्या चल रहा है भाई इतने सारे जेम 4,000 जेम यहाँ पे अरे मोगी भैया यहाँ पे देखो 4,000 जेम वो देखो रॉयल चैंपियन देखना अभी यहाँ पे इनके पास पैसा कम पड़ेगा तो वो देखो कैसे अपग्रेड करेंगे स्टेफनी मैम की तरफ पैसा समित पैसा 4,300 जेम चले गए अरे भैया जी एक इन्फिनिटी टावर अपग्रेड 4,300 जेम भाई साहब डॉक्टर साहब ने वहां से कलेक्ट कर ओ पूरा का पूरा सीजन चैलेंजेस कलेक्ट कर लिया डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बहुत कुछ अपग्रेड कर दिया है ओके 1.5 से ज्यादा जेम्स यूज हो चुके हैं बिल्कुल स्टेफनी मैम इज गोइंग लाइक सो फास्ट बिल्कुल टाउन हॉल अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया है यस वी हैव इफ यू गेट स्टक समवेयर यू कैन आस्क आवर सजेशंस यस वी विल हेल्प यू डॉक्टर साहब इज लाइक अलोन किंग एक अकेले लड़ रहे हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा साजिद भाई उनको सपोर्ट कर रहे हैं साजिद भाई चैट में बैठे हुए लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे साजिद भाई भी फिलहाल मैं और मोगी भाई तो सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल ऐड करो आप भाई साहब सम पॉइंट्स वी आर सपोर्टिंग लाइक मी एंड सुमित टू स्टेफनी मैम बिकॉज़ शी डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस एज डॉक्टर साहब हैव स्टेफनी मैम के जो रिसोर्सेस है वो लगभग कम हो रहे हैं यहां पे और डॉक्टर साहब तो जेम्स पे जेम्स उड़ाए जा रहे लेट्स सी डॉक्टर साहब के पास ओ 635,000 जेम्स बचे डॉक्टर साहब के पास नाइस अभी तक 780,000 जेम्स बचे हुए हैं स्टेफनी मैम के पास और रिसोर्सेज सुमित अभी भी काफी बचे हुए हैं दोनों के पास मुझे लग रहा है बिल्कुल बहुत सारे रिसोर्सेज भी बचे हुए हैं लेकिन स्टेफनी मैम के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है जितने डॉक्टर साहब के पास है डॉक्टर साहब के पास मैंने देखा है बहुत सारे रिसोर्सेज है स्टेफनी मैम के पास ज्यादा जेम्स है 38 सुमित 38 बुक ऑफ हीरोज है उनको जेम के लिए हीरो के लिए तो वही नहीं लगेंगे ना जेम उनको कुछ नहीं लगेगा बिल्कुल बिल्कुल वही स्टेफनी मैम को जेम्स बहुत ज्यादा अमाउंट में लगेंगे लगभग 4,000-5,000 जेम्स लगेंगे हीरो को एक लेवल अपग्रेड करने के लिए होगी भाई और हीरो के कितने कितने लेवल 75 से 80 जा रहे हैं मतलब 5-5 लगभग 50 लगभग 100,000 जेम्स पकड़ लो हीरोज में ही चले जाएंगे जरा हमें भी पता चले आपके पास कितने जेम्स हैं एंड आई बेट एंड आई चैलेंज यू ऑल कि आप ऐसे किसी के पास भी इतने ज्यादा जेम्स नहीं होंगे लिटरली नहीं हो ही नहीं सकते किसी के पास सुमित तेरे पास खुद नहीं है तू उनको क्या चैलेंज दे रहा तेरे पास 10,000 जेम्स नहीं मेरे पास भी नहीं है चैलेंज दे रहा आपको चैलेंज दे रहा है कि आपके पास चैलेंज नहीं अबे भैया हमारे पास कूदना है अरे मेरे पास भी नहीं होगी भैया मेरे सारी आइडियाज में मिला के 10 मैं तो बताता सुन मेरे 4 आइडियाज में 5 आइडियाज में मिला के कितने जेम्स है 10,000 जेम्स है मेरे पास सिर्फ तेरे पास कितने सुमित मेरे पास सब आईडीज मिला के होंगे 130 140 जेम्स होंगे सब आईडी मिला के सुमित तो बहुत ही करीब है रे
अरे भैया छोड़। ओके यहाँ पे स्टेफनी मैम पेट्स को अपग्रेड कर रही है, दैट्स रियली नाइस। लस्सी को पिला दी गाइस, लस्सी। यप यप यप, आई थिंक सी हैज ऑलरेडी अपग्रेडेड द डार्क स्टोरेज, अपग्रेड इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। यूज जेम्स 429 स्टेफनी मैम, यूज जेम्स 429। या राइट, नाइस, दैट्स रियली नाइस। ओके स्टेफनी मैम यू कैन डू इट, कम ऑन स्टेफनी मैम, बहुत तेजी से कर रही है। डॉक्टर साहब वहां पे बहुत कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेस कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नाइस nice. जाता है डॉक्टर साहब दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि कौन कितना तेज दौड़ रहा है। डॉक्टर साहब अपनी एक रफ्तार से, फिक्स रफ्तार से दौड़ रहे हैं, और देखना होगा यहाँ पे एक्सपीरियंस काम आएगा या फिर काम आएगी स्पीड। स्टेफनी मैम यूज कर रही है स्पीड एंड डॉक्टर साहब यूज कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस। बिल्कुल यहाँ पे स्टेफनी मैम बहुत ज्यादा जेम्स उड़ा रही है, एंड वहीं पे डॉक्टर साहब बात कर रहे तो वो भी तो जेम्स ही उड़ा रहे हैं। एक वॉल पे लगभग कितने जेम्स मोगी भाई, 1827 जेम्स जा रहे हैं, 1827 जेम्स एक वॉल पे, एक वॉल पे 100 वॉल्स है भाई साहब, मतलब कितनी 1,80,000, 1,00,000 गाइस 80,000, ओ माई गॉड, सिर्फ वॉल्स अपग्रेड करने में क्या हो रहा है मजाक। सुमित हमको इतना अपग्रेड करने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर साहब हमको आपने क्यों बुलाया यहाँ पे होस्ट करने के लिए, इतने सारे जेम्स उड़ा रहे हो। आप टेंशन नहीं ले, मैं आप लोगों से सबसे बात करूंगा सिस्टमैटिकली। ओके सर बात करने से अपग्रेड नहीं होगा, पहले अपग्रेड करना पड़ेगा। ऐसा कैसे मैक्स होगा डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं आप लोगों से बातें करूंगा, अरे बात करने से हमारा अकाउंट कर देंगे। I'm with you guys, I support all of you guys. Okay, डॉक्टर साहब हमको सपोर्ट दे रहे हैं, डॉक्टर साहब की तरफ से बिल्कुल। आप लोग यहां पे स्टेफनी मैम कह रही हैं धनाधन जैम चलने दो। Are you doing? I'm doing. Are you focused? No, स्टेफनी मैम, डॉक्टर साहब is trying to distract you. Don't worry. He's winning. Yeah, स्टेफनी मैम is winning. स्टेफनी मैम के सारे पेट्स लगभग मैक्स होने वाले हैं। Mighty Yak is already upgraded to level 10, max level, and Stephanie Ma'am is now upgrading Unicorn, and now Unicorn is also max level. Max, Unicorn max. Lassie और Electric Owl, Electro Owl अभी भी दो बचे हैं जिनको max करना है। Lassie max हो चुका है। Lassie max, Electro Owl भी max सुमित। Electro Owl भी max हो चुका है। All max are max. आपको रिसोर्सेज भी बहुत सारी चीजें, डॉक्टर साहब कह रहे हैं अदरवाइज तुम हार जाओगे। रूल के अकॉर्डिंग रूल ये था कि जितने भी रिसोर्सेज हैं जैसे कि गोल्ड पास के भी ये रिसोर्सेज हैं, ये सारे कलेक्ट करके यूज करने इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनको कलेक्ट करके यूज नहीं करा, सिर्फ जैम करते चले गए, then you gonna be lose. इससे कोई मैटर नहीं कि आपका अकाउंट जल्दी मैक्स हो। डॉक्टर साहब ने यहाँ पे दिमाग लगाया, स्टार्टिंग में सारे रिसोर्सेज यूज करे डॉक्टर साहब ने सीजन चैलेंजेस के, उसके बाद अभी जो जेम्स है सिर्फ जेम्स के साथ अपग्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब के वॉल्स मैक्स हो चुके हैं, कांग्रेचुलेशंस, एंड डॉक्टर साहब के पास अभी भी सारे के सारे पेट्स हैं, तो सारे पेट्स मैक्स करने पड़ेंगे। कलेक्ट ऑल द रिसोर्सेज फास्ट एंड डू इट, कम ऑन मैम, ओ माय गॉड, ओ मैम, डोंट डू इट वन बाय वन, कलेक्ट, पुट देम टुगेदर एंड सिलेक्ट देम ऑल, एंड टुगेदर सिलेक्ट देम ऑल, पुट देम टुगेदर एंड सिलेक्ट देम ऑल, स्टेफनी मैम पुट देम टुगेदर एंड सिलेक्ट देम ऑल, यप ऑल द वॉल्स, ठीक है मैं हेल्प करता हूँ गाइस, इसको हम कहेंगे मेंटेनेंस ब्रेक, ये मेंटेनेंस ब्रेक है डॉक्टर साहब ने बिल्कुल अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा। नाइस डॉक्टर साहब ने यहाँ पे हीरोज, ओ माय जोक, डॉक्टर साहब ने यहाँ पे दो पेट्स को मैक्स कर लिया है। स्टेफनी मैम यहाँ पे वॉल्स अपग्रेड करने पे लगी हुई है,
I have told you one strategy. If you remember that strategy, you can snatch the phone of Dr. Saab. We are losing. So you can use that ninja technique to win this competition. Oh my god. Dr. Saab help bhi kar rahe hain. Dekh rahe ho guys. Apna account max karne ke saath saath Dr. Saab apna experience share kar rahe hain Stephanie ma'am ke saath. Isse kehte hain sportsmanship. Sportsmanship keh raha hu guys. Sportsmanship. Sportsmanship, right? Jawan phisal gayi. Jawan phisal gayi. Oh my god. Guys, 25 minutes ho chuke hain record karte karte. Abhi bhi bahut kuch bacha hai. 1 ghanta lagega, 1.5 ghanta. देख रहे हो गाइस, देख रहे हो गाइस, जैम जैम करने में भी टाइम लगता है। जैम भी ऐसे ही नहीं होता कि बस यूं यूं दबाते चले गए। इट्स टुक स्ट्रेटजी, इट टुक्स माइंड, इट टुक्स रिसोर्सेज एंड इट टुक एक्सपीरियंस एज टाइम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो लोगों को जैम करते हुए जिनके पास काफी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस को आप भी समझें कैसे यूज किया जाता है। स्टेफनी मैम कह रही मैं बड़े वाली बॉल सब ग्रेड करती हूं सीधा। ये अच्छा था, बड़ी वाली बॉल सबसे पहले अपग्रेड करना। 1827 मोगी भाई, 100 बॉल्स एंड मोगी भाई 100 बॉल्स करनी है तो लगभग 180,000 तो बॉल्स पे जाएंगे। सेंट स्टेफनी मैम सिलेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट लाइन, फ्रॉम नेक्स्ट लाइन, फ्रॉम नेक्स्ट लाइन स्टेफनी मैम, फ्रॉम नेक्स्ट लाइन। Yes, yes, select them. I can't. Yes, yes. No. Stephanie ma'am can't. Stephanie ma'am. You can't. Do those walls. Stephanie ma'am, do new walls. New walls, huh? Do new walls. Right. New walls. Select them all. All the new walls. In select row and upgrade them all. Guys, I can see Stephanie ma'am. Arey, Mogi bhai, Stephanie ma'am ne town hall kar diya. Heroes, pets, sare ke sare defenses, cannons, inferno towers, scatters. बॉम्ब टावर, ईगल आर्टिलरी सब कुछ मैक्स हो चुका है, जस्ट वॉल्स बचे हैं एंड ट्रूप्स बचे हैं। आई थिंक स्टेफनी मैम विल विन। एंड डॉक्टर साहब की अगर बात करें तो डॉक्टर साहब आल्सो डिड सेम। डॉक्टर साहब कैन यू प्लीज जूम इन योर बेस एकदम। या थैंक यू सो मच। ओके स्टेफनी मैम, अरे भाई साहब, आई थिंक गाइस दैट्स, अरे डॉक्टर साहब का आई थिंक होने वाला है बहुत ही जल्दी, खत्म सा हो गया मेरे को ऐसा लग रहा है। डॉक्टर साहब के चेहरे पे हंसी भी आ रही है हल्की सी, देखते हैं डॉक्टर जी। लग रहा है सिर्फ बॉल्स वॉल्स लगी है और डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है जान पूछ के आराम आराम से अपग्रेड कर रहे हैं ताकि मेरे को भी ऐसा लग रहा है। डॉक्टर साहब यूजिंग हिज एक्सपीरियंस, कैन यू शो बिल्डर सजेशन दिखाइए आपका, कितने और बचे हैं आपके। ओ माय जोक, ओ माय गॉड, all are you done builders. oh my god जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं डॉक्टर साहब ऐसे बैठ गए हैं और वो कह रहे हैं भैया हमारा तो हो गया। फिलहाल स्टेफनी मैम अभी लगी हुई हैं और स्टेफनी मैम को हेल्प कर रहे हैं डॉक्टर साहब अपनी उंगलियों के थ्रू भी कि हम कराएंगे आपका अकाउंट जल्द से जल्द मैक्स। देखो गाइस हमने काफी सपोर्ट करा स्टेफनी मैम को और डॉक्टर साहब ने भी काफी हेल्प करी, लेकिन डॉक्टर साहब पहले से ही प्रिपेयर्ड थे इस अपग्रेड को लेके। उन्होंने बहुत सारी बुक्स कलेक्ट करके रखी हुई थी, 35 बुक्स थी, 38 बुक्स थी भाई, 300 वोस थी, सब कुछ जोड़ के रखा था और कम जेम्स यूज करके भी अपना अकाउंट जल्दी मैक्स कर लिया है इन कंपैरिजन टू स्टेफनी मैम। अभी भी डॉक्टर साहब के पास, साहब कैसा लग रहा आपको जीत करके? डॉक्टर साहब क्या जीत के कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब आपको जीत के? आई डिडंट विन, शी वन। आई यू डॉक्टर साहब के पास। ओके डॉक्टर साहब ने कह दिया ओके मेरे को अकाउंट तो मैं करता हूँ। तो अभी डॉक्टर साहब मैक्स कर रहे हैं स्टेफनी मैम का अकाउंट एंड स्टेफनी मैम कह रही है अच्छा ठीक है यार कर ले कोई बात नहीं। स्टेफनी मैम को हिंदी समझ रही है आजकल, ये अच्छा लगा मुझे। स्टेफनी मैम को टायर्ड एंड से ओके डॉक्टर साहब यू कैन नाउ मैक्स अकाउंट मैं एंड हु केयर्स आई एम ऑलरेडी लॉस्ट बट एंड डॉक्टर साहब ऑलरेडी सेड दैट आई हैव वन बट सी इज एक्चुअली वन बिकॉज डॉक्टर साहब का तो ऑलरेडी अपग्रेड खत्म हो चुका है, राइट राइट डॉक्टर साहब अभी भी अपग्रेड कर रहे हैं तो टेक्निकली स्टेफनी मैम जीत गई है। अरे भाई डॉक्टर साहब समझे आप? है ना, इसीलिए डॉक्टर साहब ने वो कहा था वहां पे, देख रहे सुमित, डॉक्टर साहब ने इसीलिए कहा था कि स्टेफनी जीते क्योंकि डॉक्टर साहब को पता था थोड़ी देर में स्टेफनी मैम का अकाउंट ही मैं ही मैक्स करूंगा।
ये सही था, ये बहुत सही था। ये नाइस था गाइस। तो गाइस वर्ल्ड का जो पहला बेस है वो है डॉक्टर मुश्तबा लव स्टेफनी, वर्ल्ड्स फर्स्ट आउन 14 मैक्स बेस विद जेम्स। दूसरा होने जा रहा है ये स्टेफनी मैम का लव डॉक्टर एम। इन दोनों अकाउंट्स के अंदर नाम का थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अगर आप नाम को ध्यान से पढ़े, जो अकाउंट का नेम है डॉक्टर लव स्टेफनी, डॉक्टर एम लव स्टेफनी, वो अकाउंट बिलोंग करता है डॉक्टर साहब को, और एक अकाउंट का नाम है स्टेफनी लव डॉक्टर एम, वो अकाउंट बिलोंग करता है स्टेफनी मैम को। तो वर्ल्ड का पहला टाउन हॉल 14 मैक्स अकाउंट, टाउन हॉल 14 मैक्स अकाउंट बिलोंग करता है डॉक्टर साहब को, एंड द सेकंड अकाउंट बिलोंग करता है स्टेफनी मैम को। हालांकि वो इन दो एक दूसरे के लिए दोनों ही विनर्स हैं, और इसमें 5-7 मिनट के पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये आप लोगों को दिखाने के लिए एक इंटरेस्टिंग टाइप का ये चैलेंज रखा गया था कि कैसे जैमिंग होती है और कितने जेम्स रिक्वायर्ड होते हैं और कितना भाई जिगरा लगता है टाउन हॉल इतने इतने जेम्स खर्च करने में। ये लास्ट रूप बचा गाइस, और ये होने वाला टाउन हॉल 14 मैक्स और स्टेफनी मैक्स। स्पेल्स भी है, बहुत सारे चीजें बची हुई है, स्पेल्स बची हुई है इसमें। कम ऑन और डार्क ऑप्स, ओ माय गॉड, आइस गोलम भी बचा हुआ है अभी। ओके, जैसे चिल्लाना शुरू करता हूं एक नया ट्रूप निकल के आ जाता है। ओके, आइस गोलम कितना लेगा? ओके, मैक्स 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 हो चुका है, टाउन हॉल 14 मैक्स। ओ माय गॉड, तो गाइस यहां पे टाउन हॉल 14 मैक्स हो चुका है दोनों का। सबसे पहले डॉक्टर साहब ने किया, उसके बाद स्टेफनी मैम ने किया। वर्ल्ड के पहले दो मैक्स अकाउंट्स टाउन हॉल 14 के सारे जेम्स के साथ। स्टेफनी मैम के 9 लाख से ज्यादा जेम्स थे, अभी 2,40,000 बचे हैं, मतलब सबसे ज्यादा जेम्स स्टेफनी मैम ने उड़ाए हैं। 7 लाख के आसपास जेम्स खर्च करे हैं स्टेफनी मैम ने, एंड डॉक्टर साहब ने कितने जेम खर्च करे? 5 लाख के आसपास, 5-5.5 लाख। 12 लाख जेम्स उड़ाए गए हैं दो अकाउंट के ऊपर स्टेफनी मैम एंड डॉक्टर साहब। सोचा था आपने कभी 12 लाख की जेम अपग्रेडिंग आप देख पाएंगे? हमने भी नहीं सोचा था भाई कभी। आपने कहा सर, हमने भी नहीं सोचा था, बट हमने देखा, हमने एंजॉय किया, और आपको पता लग गया कि कितने जेम्स, कितने रिसोर्सेस, क्या क्या चीजें लगती हैं इतने अकाउंट को मैक्स करने में। और वीडियो आपको ये पसंद आई हो लाइक जरूर करना, 1 लाख लाइक का इसका टारगेट है। अगर 1 लाख लाइक आप पूरे करा पाते हैं तो डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ जरूर अनाउंस करेंगे आने वाले टाइम में, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा था। 1 लाख लाइक्स, आपको 1 लाख लाइक्स मतलब ऐड करने पड़ेंगे। वो क्या अनाउंस करेंगे, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर साहब अपने हिसाब से सोचेंगे कुछ भी, लेकिन 1 लाख लाइक का इस पे टारगेट है। 12 लाख जेम्स इसमें इन्वेस्ट करें, 1 लाख लाइक तो होने चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपको इसके बारे में कुछ कहना है? अब आपको कुछ भी ऐड करना है स्टेफनी मैम एंड डॉक्टर साहब, यू कैन ऐड। 100,000 व्यूज, वी गिव गोल्ड पास। व्यूज और लाइक स्टेफनी मैम? 100,000 100,000 likes. And how much gold passes will you give away? 50 gold passes. Gold passes. That's really nice. On how many? So we will select randomly. Yes. Okay. And अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक तो भाई सब करना ही है। चलो गाइज, बस आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं आप लोगों को एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हाय गाइस, बाय 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 बाय। हैप्पी रमजान एवरीवन, हैप्पी रमजान, हैप्पी रमजान, हैप्पी रमजान गाइस एवरीवन, बाय बाय।